ठीक है सर, बताए आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हो इसके बारे में थोड़ा सा पूरा बताए क्या है। हाँ, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस जगरेसा चनावेली की तरफ से हो रही है। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस जो है ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि संविधान बचाओ, नागरिकता बचाओ और आरक्षण बचाओ। क्योंकि 5 अगस्त 2019 में जो पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया था और उस बिल में जम्मू कश्मीर को स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद 370 में भी संशोधन कर दी गई और संशोधन इस बलबूते पे की गई क्योंकि जो रेस्ट ऑफ इंडिया के जितने भी कानून थे, जितनी भी पॉलिसीज थी वो जम्मू कश्मीर में लागू होने के लिए उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जो थी वो 370 की वजह से रुकी हुई थी और इसमें जो संशोधन किया गया उसमें लोगों की एक आशाएं जगी जम्मू कश्मीर के लोगों की चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे वहाँ ये की अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो या रोड कनेक्टिविटी की बात हो या डेली वेजर्स की बात हो या यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की बात हो या SRO 202 को मतलब कि तोड़ने की बात कही उन्होंने कि जब ये पूरा 370 यहाँ से हट जाएगा और जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को एक्सटेंड किया जाएगा। हमारा ये सवालिया निशान है सरकार के ऊपर कि 6 महीने हो गए हैं यहाँ पर यूटी स्टेट को बने हुए और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बनकर आ गया और उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आर्टिकल 370 हटने के बाद भी कोई नई चीज़ नहीं आई है, पुराने के पुराने कानून यहाँ पर हैं। हमारा जो सवाल है सरकार के साथ कि पूरे सेंटर के ला जम्मू कश्मीर में आपने अभी तक एक्सटेंड क्यों नहीं किए जबकि आपने वादा किया था यहाँ के लोगों से कि आप हर चीज़ में उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तर्जी पर वो राइट्स वो रूल एक्ट्स यहाँ पर लागू होंगे जो अभी तक नहीं हुए। इस बात का हम खंडन करते हैं क्योंकि ये वन नेशन वन रूल और वन रिजर्वेशन जो पॉलिसी थी उसको वायलेट कर रहा है। ये हाल ही में रोटेशनल रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में 27 जनवरी को आई और उसमें उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो रिजर्वेशन है वो नेशनल पैटर्न पे यहाँ पे अडॉप्ट की गई है जबकि बाकी रिजर्वेशन जो SC की है, ST की है, ALC की है, RBA की है और पहाड़ी है और अदर सोशल कास्ट है वो लोकल रोस्टर पे उन्होंने अडॉप्ट किया है एज पर रिजर्वेशन एक्ट 2004। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 ही नेशनल कैटेगरी हैं, वो है SC की, ST की और OBC की। तो फिर ये RBA, ALC और ये पहाड़ी लोगों की रिजर्वेशन कौन सा क्लाज है, आज तक हमको यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही है। इस ये सोची समझी एक चाल है, मंशा है सरकार की यहाँ के लोगों को उनके राइट से इग्नोर करना जानबूझकर, क्योंकि 28 साल के बाद भी जम्मू कश्मीर में एक उम्मीद बनी थी कि जब इंडियन पार्लियामेंट में यहाँ पर एक बिल लाया गया कि 370 में संशोधन करने के बाद तो OBC को एक वो बनी थी उम्मीद कि उनकी रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट की जाएगी, लेकिन आज भी उन लोगों को इग्नोर किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी सरकार ने 1 मार्च 2019 को किए थे उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी था और SC ST की रिजर्वेशन इन प्रमोशन का भी था, लेकिन बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि साल से ऊपर का वक्त गुजर गया है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो रिजर्वेशन है वो जम्मू कश्मीर में लागू हो गई और रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मसला है वो वैसे का वैसा पड़ा है। उसमें कोई भी एक्सरसाइज गवर्नमेंट ने नहीं की, ना ही वो इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। नंबर ऑफ टाइम हमने रिक्वेस्ट जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से डाली कि हमें टाइम दे दीजिए ताकि हम अपनी बात उनके सामने रखें, लेकिन डेलीबरेटली उन्होंने हम लोगों को इग्नोर किया क्योंकि कोई ऐसी एंटी रिजर्वेशन लॉबी है जो ब्यूरोक्रेट्स की सेक्रेटरीट के अंदर बैठी हुई है जो हमारे लोगों के राइट्स को स्नेच कर रही है और हम लोगों को हक हकूक से दूर रखने की कोशिश कर रही है। और हर डिपार्टमेंट के अंदर 2015 के बाद लगातार प्रमोशनें हो रही हैं, हमारे ही लोगों की प्रमोशनें रोक के रखी हैं। इस तरीके से ये भेदभाव सामने सरकार का नजर आता है और ये क्लियर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है और उसकी हम खंडन करते हैं और भर्सना करते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जब भी देश के अंदर कोई भी हक की बात पिछड़े तबकों के लिए आती है उस पर सरकार कोई ना कोई आड़ा अड़ा लेती है, कभी सुप्रीम कोर्ट का बहाना देकर, कभी पार्लियामेंट का बहाना देकर हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और पॉलिटिकली माइलेज लेने की कोशिश की जाती है। इसके साथ दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो देश में 12 दिसंबर को एक कानून लाया गया है CA और NRC, इसकी भी हम निंदा करते हैं और अपना स्टैंड हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्लियर करते हैं।
कि ये इस कानून के साथ हम नहीं हैं, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि CAA और NRC ए डेंजरस शिफ्ट है, क्योंकि कोई भी देश दुनिया के अंदर 180 देश हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंदर आते हैं, और 180 देशों में कोई भी ऐसा देश नहीं जो धर्म और जाति के आधार पर किसी भी देश को नागरिकता देता हो। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी धार्मिक आधार पर नागरिकता नहीं है। जो माइनॉरिटी ओप्रेसर माइनॉरिटी को देश हमारा भारत जो है वो नागरिकता दे रहा है, हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर पहले बेरोजगारी पड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उन लोगों को नागरिकता देने से कोई कुछ नहीं बात बनेगी। क्यों? क्योंकि वो देश भी धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दे रहा है, और ये कानून जो है इसके हम सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है, कभी कौन सा मुद्दा, और एक मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि RSS के एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है। हो सकता है कि इनका है कि यहाँ के जो माइनॉरिटी लोग हैं जो मुस्लिम्स हैं उनको नागरिकता छीनना है, उनको वोट का राइट्स बंद करना है, उसके बाद दलित शोषित वंचित और पिछड़ों की बारी है, फिर जाकर ये हिंदू राष्ट्र की तरफ इनकी एक सोच बन रही है, जो हिंदू राष्ट्र जो है एक इनइक्वलिटी बेस्ड है, और हम ये नहीं चाहते कि ऐसा राष्ट्र बने जिसमें अलग अलग लोगों को बांटा जाए, क्योंकि ये भारत एक संपूर्ण देश है, लोकतंत्र बचेगा तो लोकतंत्र का हक जो है सब लोगों को मिलेगा, अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, तो इसका जो हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य के बारे में बात होगी। आपके मीडिया के माध्यम से मैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो सेंसिटिव इशू है SC ST OBC का, चाहे रिक्रूटमेंट में है, चाहे एजुकेशन सेक्टर में है, चाहे वो प्रमोशन में, वो जल्दी से जल्दी हल करिए, वरना हम कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे जिससे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। और इसके साथ में एक 2016 का GEDA का सर्कुलर है जो 21 जून 2016 को आया था, वो सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन करता है और हाई कोर्ट के आर्डर को डायरेक्टिव को इनकम्पिटेंट करता है। क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का आदेश है रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, वो पहले ही स्टे आर्डर में है, लेकिन सरकार किसी न किसी ढंग से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। और जो अब हमको दिल्ली की तरफ देखना पड़ रहा है, पहले चलो यहाँ पर 370 की आड़ में जो उन्हें हमारे साथ जो एक किस्म का हमको राइट्स मिलते थे, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हो, वो स्नेच हो गए हैं सारे के सारे, और वो जो उसके आड़ में चलते उन्हें लोगों से जो झूठे वादे किए उस पर खड़ी नहीं उतर रही है सरकार अपने वादों पर खड़े उतरे और सब लोगों को उनके राइट्स दे। और 370 में तो हमें वही ठीक था, जिस वजह से हम लोगों को थोड़ी सी सपोर्ट तो मिलती थी कम से कम। और 370 में की हटाने के बाद सिर्फ साइन ऑफ बोर्ड चेंज हुआ है, जम्मू कश्मीर की स्टेट को बदलकर UT नाम किया है, बाकी कुछ भी नहीं बदला है, सारे पुराने के पुराने कानून है, कोई भी नई चीज नहीं आई है। इसलिए हम कह रहे हैं सरकार से कि वो अपने वादे जो किए उन्होंने उस पर अमल करें और लोगों के हक हकों की रक्षा करें। इसी चीज से मैं अपनी बात को खत्म